बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द फूड चेन। बेसिकली किसी भी स्टेबल इकोसिस्टम में हमारे पास रिलेशनशिप पाए जाते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप हमारे पास फीडिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। दीज आर बेसिकली द फीडिंग रिलेशनशिप। इस फीडिंग रिलेशनशिप को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन और फूड वेब। इसको ग्राफिकल शिकल में हम दिखा देते हैं तो उसको फूड चेन या फूड वेब कहा जाता है। What is basically the food chain? The food chain is a process of eating and being eaten. हमारे पास ये कैसा process है जिसमें eating and being eaten होता है, because मैंने start में आपको बताया that is the feeding relationship. So a process of eating and being eaten is known as food chain. हम किसी भी environment में feeding relationship को जाहिर कर सकते हैं in the form of a chain, जिसको हम कहते हैं food chain। Simple सी बात है। For example, the first step जिसे हम कहते हैं द प्रोड्यूसर्स, दीज आर बेसिकली द प्रोड्यूसर्स। और द प्रोड्यूसर्स जो है हमारे पास जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल है। बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक लेवल। याद रखिए हमारे पास इकोसिस्टम में जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसमें जो मेजर फीडिंग रिलेशनशिप होती है, स्टेप्स होती है, उसको हम टॉपिक लेवल कहते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज़ द ग्रासेस, लेट्स से, एंड द सेकंड टॉपिक लेवल इज़ द ग्रास होपर, दैट इज़ द कंज्यूमर्स। While the third one is the rat, while the fourth one is the snake, while the last one is the eagle. So in this simple food chain, जो कि grass से हमारे पास eagle की तरफ है, it involves the different trophic level. That is the first, second, third, fourth and fifth trophic levels. So these trophic levels, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब हम ये जाहिर करते हैं तो इस trophic levels को हम arrow की शक्ल में या एक लकीर की शक्ल में जाहिर करते हैं। इस तरह यहाँ मैंने दिखाया गया है कि ग्रास की तरफ से ग्रास ऊपर, इसी तरह से सो ग्रास ऊपर ग्रास को कहता है, रेट ग्रास ऊपर को, और इसी तरह से स्नैक रेट को, और ईगल जो होता है वो स्नैक को कहा जाता है। दैट इज़ अ फीडिंग रिलेशनशिप। लेकिन आप इसको गौर करेंगे तो दैट्स अफेयर्स लाइक अ चैन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फूड चैन, जो कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से गुजरती है। इसमें हमारे पास ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो आ सकते हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ आते हैं और उसके सिंपली डिफाइन कर लेते हैं कुछ फूड चेन के जरिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर एक थ्री लेंथ फूड चेन दिया गया है। थ्री लेंथ फूड चेन मीन्स इसमें सिर्फ थ्री ट्रॉपिक लेवल्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द कॉर्न इज ईटन बाय रेट एंड द रेट इज ईटन बाय द ऑल, सो दैट्स व्हाई इट्स इज नोन एज अ थ्री लेंथ फूड चेन। और द सेकेंड वन इज़ द फोर लेंथ फूड चेन, इसमें हमारे पास फोर ट्रॉपिक लेवल्स शामिल हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कैरेट, द सेकेंड वन इज कैरेट इज ईटन बाय रैबिट, और द रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स, एंड द फॉक्स इज ईटन बाय लायन। सो दैट इन्वॉल्व्स द फोर ट्रॉपिक लेवल्स, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फोर लेंथ फूड चेन। इसी तरह से एक और फूड चेन का एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज़ द ग्रास, ग्रासहॉपर। सो ग्रासहॉपर जो होता है वो ग्रासेस को कंज्यूम करता है। द फ्रॉग कंज्यूम द ग्रास हूपर, द पाइथन ईट्स द फ्रॉग, वाइल द ईगल ईट्स द पाइथन। पाइथन इज अ स्नैक, अ टाइप ऑफ स्नैक बेसिकली, जो कि नॉन पॉइजनस स्नैक्स है। सो इसी तरह से एक हमारे पास एक चैन की शक्ल बना लेते हैं, जिसमें हम एक जानदार को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ एक एरो या एक लकीर की निशान लगा लेते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द फूड चेन। सो अ फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अगर आप देख लें यहाँ पर जो हमारे पास सिंपल फूड चेन है, ये रेट है, ये कॉम को खाता है बेसिकली, सो दैट्स व्हाई ही ईट्स द कॉम ईटिंग, व्हाइल द कॉम इज ईटन बाय द रेट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। नेक्स्ट वन इज द फूड वेब। किसी भी कम्युनिटी में अगर आप देख लें, जानदारों का जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है वो इतना सिंपल नहीं होता जितना हमें दिखाई दिया जाता है फूड चेन में। सो इट मीन्स इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं हु ईट्स होम। सो फूड वेब इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स होम, कौन किसे कहता है। जब हम ये बात करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज अगर आप इस फूड वेब को देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में, तो अगर आप देख सकते हैं प्लांट्स इज नॉट ईटन ओनली बाय हर्बिवोर्स, जो होते हैं वो बहुत वैरायटी होते हैं। इसमें डियर आ जाता है, बफेलो, काउ एट्सेट्रा, सो ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसी तरह जो कंज्यूमर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि हमारे पास ओमनीवोर्स हैं, वो भी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। प्रेडेटर्स भी वैरायटी के पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के।
सो कहने का मकसद ये है कि एक जानदार सिर्फ एक जानदार को नहीं कहता, अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स कंज्यूम्स अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या प्लांट्स। दैट्स व्हाई इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो शक्ल होती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, जो कि वेब लाइक दिखाई देती है। जिस तरह स्ट्रेट मैंने आपको फूड चेन में दिखाया था जिसमें हमारे पास एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है फीडिंग रिलेशनशिप, उसको जब हम ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है फूड वेब। लेट्स अपीयर लाइक वेब, इस तरह आपको इसमें दिखाई दिया गया है। द अल्जी इज ईटन बाय द प्रॉन, दैट्स द कार्फ, फ्लाई एंड स्लग। सो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वेराइटी है, एक जो होता है एक को नहीं कहता। सो दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट में आपको बताया इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स होम। इसी तरह प्रॉन इज ईटन बाय ट्राउट, ड्रैगन फ्लाई, टर्टल, किंग फिशर इसमें शामिल है, फ्रॉग और स्नैक। सो इस तरह अगर आप देख लें ये हमारे पास ये कंज्यूमर्स की या जो हर्बीवर्स है, कार्निवर्स एक्सेट्रा, इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल बन जाती है जिसको कहा जाता है फूड वेब। सो जब भी हम फीडिंग रिलेशनशिप को ग्राफिकल शक्ल में दिखाएंगे सो वो शक्ल वेब की तरह होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फूड वेब। एंड द फूड वेब इज द रिलेशनशिप, दैट मीन्स द फीडिंग रिलेशनशिप, दैट मीन्स हु ईट्स होम, कौन किसे खाता है। There is a complicated relationship. The food chain is a simple relationship. I hope you understand the topic as well.